दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग बेहद दिलचस्प चीज है। बहुत सारे फिल्मों में और किताबों में इसकी कल्पना की गई है। समय में आगे पीछे जाकर अतीत और भविष्य को देख पाना वाकई में चमत्कार के बराबर है। खैर, ये तो रही कल्पनाओं की बातें, लेकिन दोस्तों, क्या असली जिंदगी में भी किसी ने टाइम ट्रैवलिंग किया है? साल 2006 में स्वीडन देश के रहने वाले हॉकन नॉर्डक्विस्ट ने एक वीडियो और अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की थी। उसका दावा था कि वह भविष्य की यात्रा करके लौटा है। उसने बताया कि वहां उसकी एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। 36 वर्षीय हॉकन का कहना था कि वह भविष्य में जाकर 70 वर्षीय हॉकन से मिलकर लौटा है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि हॉकन भविष्य में पहुंचा कैसे? भविष्य में पहुंचने के लिए कोई तो रास्ता, कोई तो जरिया होना चाहिए जहां से आ जा सके। तो दोस्तों, बता दूं कि हॉकन को ये रास्ता मिला उसके किचन सिंक के कैबिनेट में। असल में हुआ ये कि 2006 में जब हॉकन एक दिन ऑफिस से घर लौटा तो उसे किचन में पानी गिरा हुआ दिखा। उसे लगा कि सिंक का पाइप टूट गया है। जब उसने सिंक का कैबिनेट खोला तब उसे कैबिनेट के अंदर रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वो कैबिनेट के अंदर चला गया और रोशनी को छूते ही 40 साल आगे भविष्य की दुनिया में जा पहुंचा। वहाँ 2046वां साल चल रहा था। भविष्य में जाने के बाद जब उसने खुद से मुलाकात की तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था जैसा उसने खुद के हाथ पर बनवा रखा था। उसने भविष्य के हॉकन से अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ खास सवाल पूछे, जिसका सही जवाब मिलने के बाद ही उसे यकीन हुआ। फिर क्या, उसने अपने भविष्य के साथ सेल्फी ली और वीडियो भी बनाया ताकि लौटने के बाद लोग उसकी बातों पर यकीन करें। खैर दोस्तों, आप उसकी बातों पर कितना यकीन करते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके अमेजो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। इस चैनल पर मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।